जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैप वन लेक्चर सेवन स्टार्ट करते हैं। लेट मी लगा दिस माइक ऑल्सो। अच्छा जी, लेक्चर सिक्स के अंदर हमने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सीखा था। और फिर मैंने उसके लिए तीन क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए थे, और क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। बेसिक थीम तो पता चल ही गया था, कोई मसला तो नहीं आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू तो सिंपल ही रहे, क्वेश्चन थ्री में पूछ लें, टू में क्या जी न्यू की कॉस्ट 40 ही लेंगे। वो थ्री सिनेरियोज तो कभी कभी टेस्ट होते हैं, तो बेसिक सा सवाल था। वो तीन सिनेरियोज जो हैं वो जहाँ पे टेस्ट हुए वो क्वेश्चन हमने कर तो लिया था, अकमल ब्रदर्स वाला सवाल। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट जो ऐड हो रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को? कितने बच्चों ने होमवर्क किया है वैसे, बाय द वे? यार वैसे इतने फ्रॉडी हो तुम, सब ने किया, इन सब ने ना आंकड़ा किया ना होमवर्क किया हुआ है? चेक कर लूं? Yes, अगर होमवर्क ना हुआ तो क्लास से बाहर निकालूंगा। Yes, हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ होमवर्क, हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े रखें। क्यों नहीं किया होमवर्क जी? हाथ खड़े रखें भाई जी। क्या कह रहे हो? पढ़ना ही भूल गए थे। ठीक है जी, और जी क्यों नहीं किया था होमवर्क? अजीब है वैसे, आप इन लोगों जरा खड़े होकर ज़्यारत करें ना, आप लड़के तो माशाल्लाह, जिन्होंने नहीं किया जरा ऐसे ज़्यारत करा दें, थोड़ी देर दो मिनट की बात है, खड़े हो जाएं, खड़े हो, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया खड़े हो जाएं। हमारी शक्ल ही बता रही थी आज तुमने होमवर्क नहीं किया हो, कह रहे हाँ चेक कर लें, मुझे कहता चेक कर लें। दोनों पीछे निकल जाओ, आप कोने पे चले जाओ, आप भी दोनों कोने पे हो जाओ जरा, आप दोनों भी पीछे निकल जाओ, दरमियान से पीछे निकल जाओ। क्या ऐसे तुम लोग, ये ऐसे होगा पास? निकलो 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 निकलो, तुम्हें क्या लगा चेक उसी दिन होता है होमवर्क? हाँ जी, अब आप लोगों को क्लास से बाहर निकालूं? मैं सोच रहा हूँ कि सीट लड़कियों की जो है ना पीछे रख देते हैं, ठीक है, लड़के आगे बैठ जाया करें ताकि होमवर्क ना करने पे या डेढ़ घंटा आप भी करें या क्लास से बैठ जाएं। पहला मौका नहीं है ये, पकड़ा पहली दफा गया है, ये आखिरी चांस है, बैठ जाओ। हाँ, फीमेल स्टूडेंट अगर नहीं होमवर्क करके आएंगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, या बाय ऑप्शन वो डेढ़ घंटा खड़े रहें। और आप लोगों को तो ना बाहर जाने दूंगा ना बैठने दूंगा, डेढ़ घंटा खड़े रहेंगे आप लोग, बैठ जाते यार उसी तरफ ही, अब क्या इतना। आसान काम था, किया नहीं है, बस ठीक है ये वाला एटीट्यूड रखें, और सादा सा मुझसे लिखवा लें कि हम इस तरह से, मैं लिख के दे दूंगा, आप इस तरह से पास नहीं होंगे, ठीक है। लिखा हुआ अच्छा होता है ना, वक्त जरूरत सनद रहता है और काम आता है, ठीक है, तो लिखवा लो तुम, मुझसे ऐसे पास नहीं होगा। FAR 1 की थोड़ी एग्जामिशन मिल जानी उसी तरह से तुम लोगों को। अच्छा जी, जिन बच्चों ने, मेरे अच्छे प्यारे पास होने वाले बच्चों ने होमवर्क किया है, वो बच्चे मुझे ये बताएं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है उनका होमवर्क में, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके चलें, क्वेश्चन थ्री को क्या हुआ बेटा? ये ना साथ में सीट छोड़ के बैठा करें जिन जगहों पे, तीसरी दो से ऑनवर्ड्स जी। क्वेश्चन थ्री में क्या है भाई, पहले पूछ रहे। हाँ, मशीन दैट वॉज परचेज फॉर 2 लाख एंड इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 ऑन यकम अगस्त वॉज फुल्ली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। कोई फर्क नहीं है इस ट्रांजेक्शन में और सिंपल डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन में, ठीक है। हमने एंट्री पास करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट का नाम क्या चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, ठहर जाओ यार, अच्छा बाद में काट दे, प्लांट एंड मशीनरी है बोलो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कॉस्ट। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट नहीं निकलती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो वजूद ही नहीं होता, ठीक है जी, और एसेट अकाउंट में से हम निकाला करते हैं एसेट की डायरेक्ट बुक वैल्यू, ठीक है। जरा ट्रांजेक्शन तो पूरी लिख लेना, यानी कि यहाँ पर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल भी सकती होती है तो हम ना निकालते, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, द नेट बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट इतने,
यानी कि लेजर में ही क्या नजर आ रहा है हमें, हाँ बुक वैल्यू नजर आ रही है कि प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है और वो नेट बुक वैल्यू शो कर रहा है 56,60। तो मतलब क्या है, एसेट अकाउंट में ही बुक वैल्यू आ रही है ना। एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू बना है तो एक्युमुलेशन के अकाउंट का वजूद, एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की क्रेडिट ही क्या करेंगे हम, बुक वैल्यू। ठीक हो गया ना, एक तो ये बात होगी। अच्छा अब हमने ये एसेट खरीदा था कब, 1 अगस्त 2009 को। 1 अगस्त 2009 को इसकी कॉस्ट कितनी थी, 200 जमा 10 210। ये बात समझ आती है, हमने 2 लाख का उसे खरीदा था और 10,000 का उसे इंस्टॉल करवाया, तो ये 2 लाख 10,000 हो गया। बोलो, 1000 में सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद ईयर एंड हमारा है 30 जून। बोलो, तो 30 जून 2009 तो गुजर चुका है ना, तो 30 जून 2010, डेप्रिसिएशन 210, रेट है 15% इंटू अगस्त का महीना, 1 अगस्त को ही आए हैं तो अगस्त के महीने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है जुलाई में, 11/12। जी 28.29 कर लो ना, राउंड करते रहो। जी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 181। फिर 30 जून 2011 आया, बिल्कुल आया। डेप्रिसिएशन 181 का 15% कितना आया, 27। बोलो ना फिर, बुक वैल्यू 154। अब ये एसेट बिकने जा रहा है, ठीक है, बिकने जा रहा है या जल गया तो हमसे तो जा रहा है ना। किस दिन जी, 1 दिसंबर 2011। दिसंबर के महीने की डेप्रिसिएशन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 5 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे। 154 इंटू 15% इंटू 5/12। जी 10। मैंने असल में जो ये एबनॉर्मल लॉस वाला डिस्पोजल होता है ना, ये जल गया, चोरी हो गया, इसकी जरा अकाउंटिंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए शुरू कर दिया सवाल करना, वरना तो ये इसमें कुछ जान नहीं थी क्या करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा चलो अब ये बात होगी तो ये पॉइंट डिस्कस हो जाए, डिस्कस होने से रहता था। जी 144 बुक वैल्यू आ गई 1 दिसंबर 2011। ठीक हो गया जी, ओके। हम यही चाहिए थी बुक वैल्यू, हमने क्या किया जी, 144 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कैश कितना आया, वॉज फुली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, और कोई डिटेल नहीं बता रहा कि कहीं से कैश हमें कोई कबाड़ शबाड़ को, कबाड़िए को भेज के कोई लोहे के भाव कुछ मिल गया इस एसेट से, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कैश क्या है, जीरो कैश है। ठीक है, तो ये सारे का सारा फिर हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, जैसे एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट में खराब हो गया, सैलाब में, जलजले में खराब हो गया, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने इन एसेट्स की ना इंश्योरेंस कराए हुए होती हैं। ठीक है, तो अगर एसेट नॉर्मल वे में सेल होकर डीरेकग्नाइज नहीं हो रहा हमारे सवाल में से, हमारे बिजनेस में से, ठीक है, बल्कि कोई एबनॉर्मैलिटी हुई है जिस वजह से वो हमारे बिजनेस के अंदर से निकला है, तो डिस्पोजल किसी एबनॉर्मैलिटी की वजह से हो तो फर्क कोई नहीं है सिंपल डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन में और एबनॉर्मल डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन में, सिवाय इसके कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आपने एसेट को इंश्योर करवाया हो तो इंश्योरेंस कंपनीज एबनॉर्मल लॉसेस के अगेंस्ट आपको कवर देती हैं। अब आपका एसेट एक्सीडेंट की वजह से तबाह हो गया, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपका एसेट तबाह हो गया, तो आपके बिजनेस से तो गया ना। अब बोलो, तो एसेट अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि फिर इंश्योर्ड एसेट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कैश आ जाता है। अगर तो इंश्योरेंस कंपनी से कैश आ गया है तो स्टिल देयर इज नो डिफरेंस इन द ट्रांजैक्शन। हमने एसेट बेचा और बशीर भाई से पैसे आ गए, बशीर भाई को एसेट बेचा, वो कैश बशीर ने हमें दे दिया, ट्रांजेक्शन यही रहनी है। हमारा एसेट बिका नहीं, जल गया और इंश्योरेंस वालों ने हमें कैश दे दिया, हमें इससे क्या, बशीर ने दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से मिला। कैश आया तो कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस। ठीक है ना, और सही है। एक्युमुलेशन, अगर एसेट का कॉस्ट होता तो एक्युमुलेशन डेबिट, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट और बैलेंसिंग गेन लॉस। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने भी कैश आपको पे कर दिया है तो देर इज नो डिफरेंस इन द ट्रांजेक्शन। तो फिर फर्क क्या पड़ा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि जिस दिन एसेट डिस्पोज हुआ, हमने जब इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, हमने रोक दिखाया, हमने कहा जी हमारा एसेट गया, हमसे गया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे। क्या कहेंगे जी, पैसे दे देंगे। अगर अभी दिए नहीं है बल्कि ये कह रहे हैं कि हम पैसे दे देंगे, तो ऐसी सूरत में कैश की बजाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाएगा। बस इंश्योरेंस क्लेम, ये एक करंट एसेट है, ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये आपका क्या है जी, करंट एसेट है, एक राइट टू रिसीव कैश है।
तो आजी तौर पे ये करंट एसेट आप रिकॉर्ड कर लेंगे, अगेन जितने पैसे होंगे उतने से हमारा ये लॉस कम हो जाएगा, और जब वो पैसे आ जाएंगे इंश्योरेंस वालों से तो ये इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट करके उस दिन कैश डेबिट कर लेंगे। तो एसेट अगर अब नॉर्मल लॉस हो, इंट्रो में हमने पढ़ा होता है लेकिन शायद कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं चीज़ों को या नहीं पढ़ी होती बात, तो इसलिए मैंने इतनी तफसील से बात कर दी, वरना ये किया नहीं करता इतनी तफसील से बात, ठीक है ना। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो फिक्स एसेट का, एबनॉर्मली डिस्पोज हो फिक्स एसेट, तो वो सेल वाले डिस्पोजल से बिल्कुल भी हट के ट्रांजेक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि अगर इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने का वादा किया है, अभी दिया नहीं है, पैसा भी आया नहीं है, तो जब तक पैसे आए ना तब तक इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट करना होता है, उसके अलावा इस ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं होता। क्लियर है ये बात? और जी को सवाल है? हैं, सवाल ही पूछ लो फिर पूरा। फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन क्या है जी? अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80 वॉज परचेस्ड, अ सम ऑफ 30 वॉज पेड ऑन द सेम डेट एंड द बैलेंस वॉज, किसने सवाल पूछा है? अच्छा, पढ़ी हुई है ना इंट्रो वैसे। अच्छा, हमने एक एसेट खरीदा है, ठीक है, 2 लाख का है वो, नहीं सॉरी ऊपर वाली, हमने एक एसेट खरीदा है जिसकी कॉस्ट 80,000 है, हमने 30,000 उसी दिन 1 अक्टूबर 2011 को पे कर दिया है, और बाकी की चीज़ बाकी के जो पैसे हैं वो 31 मार्च को पे किए हैं। भाई एक रुपया भी सारे का उस पहले दिन ना पे करते, सारे ही 31 मार्च को पे करते, तो हमारे एसेट के एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। हमने 1 अक्टूबर को जब ये एसेट खरीदा, तो इस दिन 1 अक्टूबर को खड़े होकर हम एंट्री पास करेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 80 से, कैश कितना पे किया 30 से क्रेडिट, और बाकी अ न्यू मशीन, ठीक है, पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट 50 से। ये किसने एंट्री किया आपने? 1 अक्टूबर आपके सवाल में, आपके एसेट अकाउंट में 1 अक्टूबर 2011 पे इसने डेबिट पे नजर आना था, कितने से? पूरे 80 से। अब उसकी डेबिट साइड पे आप जो मर्जी लिख लो, आपका प्लांट मशीनरी का अकाउंट बन रहा है, आप यहां पर लिख लो कैश एंड पेएबल, आपकी मर्जी है, आप यहां पर लिख लो कैश अलग पेएबल अलग, आपकी मर्जी है, आप इस पर लिख लो एडिशन, आपकी मर्जी है, एडिशन लिखोगे तो 80, इकट्ठा लिखोगे तो 80, 30 और 50 भी लिख सकते हो, तो कोई भी लिख सकते थे आप, ठीक है, कोई एक काम कर लिया करो। लेकिन इसने आना किस दिन था, मैं बच्चों को सजेस्ट किया करता हूँ बस एडिशन लिख लिया करो, तो एडिशन लिखो 80, ठीक है। अब जिस दिन ये पेमेंट करनी है 31 मार्च को, जब कभी जाकर, तो 31 मार्च 12 है, उस दिन जाकर हमारे एसेट ने कोई नहीं हिलना। अब मसला सिर्फ किसका रह जाएगा? इसी पेएबल ने क्या हो जाना है? डेबिट, पेएबल फॉर मशीन डेबिट, और तो उस दिन तो ये 50 ही लेना, ऐसे तो अपनी जगह कायम दायम। और जिस दिन एसेट आ गया, एसेट डेबिट किस दिन हुआ है? पैसे हमने उसको दिए, किसने सवाल किया है? सवाल करके जरा मुझे दिखाया तो करो, सवाल कहाँ से है? अच्छा, एसेट 1 अक्टूबर 2011 को आ गया ना, बोलो पैसे नहीं दिए तो क्या वो एसेट इस्तेमाल होने से रुक जाएगा? हम ये एसी खरीद के लाएं 80,000 का, 30,000 पे कर दें, 50,000 हम कहें जी आपको 6 महीने बाद देंगे, तो क्या ये एसी कहेगा अगर नहीं सॉरी मैं नहीं चलूंगा? हम कह रहे चल जा, 1 अक्टूबर को हम ले गए इंस्टॉल के, हम कह रहे चल जा, कह रहे सॉरी मैं नहीं चल सकता, नहीं क्या हुआ आपने मेरे पैसे ही पूरे नहीं पे किए, क्या ऐसा होता है? बोलो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो एसेट जिस दिन हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक रुपया ना पे करते, आप इंट्रो में ये ट्रांजेक्शन तो पढ़ के आई होंगे, हम उधार पे भी तो फिक्स एसेट खरीद लेते हैं, हम एक रुपया ना पे करें, जिस दिन हमने एसेट खरीद लिया है, पैसे भी नहीं दिए, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो डेप्रिशिएट करना शुरू करें, कैश के पे करना तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है जी, बोले सही है, चले आगे। अच्छा जी, कल एक एग्जाम्पल शुरू की थी, डिस्टर्ब कहाँ पे यार, मिल नहीं रहा, एक छोटी सी एग्जांपल लिखी थी क्लास में, yes, मैं दोबारा लिखा देते हो उधर, इधर ले आए भाई। अच्छा चलो कोई नहीं, फिगर बदल जाएंगी ना बाद, मुझे याद है। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50 इन 2019, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नाम ही बताएं तो डेटा थोड़ा सा बदल जाएगा, खैर है। अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019, 31 दिसंबर 2019 समझ लो, चलो लिख ही देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इज इक्वल टू 30 है, और प्रॉफिट
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 है 45। नोट किया हुआ है किसी ने? लोगों ने तो नोट। अच्छा यार 10 ले लो यार, मैंने कहा थोड़ा बढ़ा लें यार बिजनेस को, जरा थोड़ा सा तसल्ली हो जाए बिजनेस। आप नहीं बढ़ाने दे रहे, इसको मैसेज कर दें। हाँ मिलियन समझे, आप ट्रिलियन समझ लें यार। मैसेज कर देते किसी को मार्कर के लिए। अच्छा जी ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि ये इंडिविजुअल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की अकाउंटिंग हमें आती है, बचपन में हमने ये कर रखी है। इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर इसके लेजर्स बना देता हूँ। ठीक है जी। तो अज्यूम 1 जनवरी 2019 को ये पैसे इन्वेस्ट किए उसने, तो क्या एंट्री पास किया करते थे हम? कैश डेबिट कैपिटल। एक मिनट यहीं पर रखिएगा भाई कैमरा, लेट मी सी द फ्रेम। अब मुझे बताएं कि ये वाली जगह किस लिए हमने खाली छोड़ी हुई? नहीं नहीं आपने इससे आगे फ्रेम करना ही नहीं है, मैं नजर आऊँ या ना, ये हाफ से इधर रख दिया, ठीक है ना, इधर ऊपर आ जाए नजर तो ठीक है, मेरी शक्ल क्या करनी है उन्हें देख। ओके जी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ओपनिंग नहीं है ये, ठीक है ना। तो सॉरी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश का लेजर बना रहा था, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद थोड़ी सी बात कल कर तो ली थी वैसे, ठीक है ना, कि हम वो जो बनाया करते थे बैलेंस शीट के अंदर, तो क्या करते थे जी, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट लेस हाँ फ्रेश कैपिटल उसमें ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो हम ये क्या करते थे जी, मेरे ख्याल में बच्चे छुट्टी पे भी थे कुछ, बात ज़रा आराम से ही कर लेते, बैलेंस शीट बनाया करते थे इंट्रो में। और अच्छा कैपिटल 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 सिर्फ कैपिटल की बात कर लें, कैपिटल लाइबिलिटी सिर्फ कैपिटल की बात करें बस। ओपनिंग कैपिटल हम लेते थे, अगर वो फ्रेश कैपिटल आता था तो वो यहाँ लिखते थे, अगर वो प्रॉफिट आता था तो वो यहाँ पर ऐड होता था। ड्राइंग यहाँ से क्या करते थे, लेस करते थे और हम पहुँच जाया करते थे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये ओपनिंग है तो यही वाला 50, ओपनिंग कुछ नहीं था, ओपनिंग कुछ नहीं था 2019 की बात कर लें अपने सवाल की। फ्रेश कैपिटल 50 आया, नेट प्रॉफिट सवाल ने 30 बताया है, ड्राइंग्स कोई नहीं बताई है, ठीक है जी। तो क्लोजिंग क्या हो गया, हम इस तरह से लिख लिया करते थे बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे किसी को स्टेटमेंट को लेजर की फॉर्म के अंदर दिखा दो, तो वो बनाना आता है हमें। पार्टनरशिप में थोड़ी सी बात आप लोगों ने की भी होगी इंट्रो में, तब पार्टनरशिप जब आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो कैपिटल का लेजर बनाना है तो मुश्किल काम नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कैपिटल जो है इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। तो फिर जो स्टार्ट या प्लस वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, वो क्रेडिट साइड पे जा रही हैं। तो हमने देखा जी ब्रॉड डाउन तो कुछ था नहीं, अगर होता तो क्रेडिट साइड पे आता, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, एक बार सिर्फ स्टार्ट करना ही मुश्किल है। अगर कोई एसेट का लेजर बना रहे हो स्टेटमेंट फॉर्म से, तो ये देखना है उसकी नेचर डेबिट है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे देख देंगे, और जो सारे प्लस हैं वो डेबिट और जो सारे माइनस हैं वो क्रेडिट। ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग किधर आ गया, क्रेडिट साइड पे। अब जितने प्लस हैं वो क्रेडिट होंगे इसमें और जितने माइनस हैं वो। तो अगर हम इस स्टेटमेंट से लेजर बनाएं तो हम क्या करेंगे जी, फ्रेश कैपिटल कैश ही लिखा था, चलो लिख लें फ्रेश कैपिटल 50, प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया वो भी इधर ही ऐड होगा, ड्राइंग्स कोई होती तो यहाँ से लेस कर देते लेकिन है नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस 80। तो ये स्टेटमेंट ये लेजर कोई फर्क है, समझे हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब यही मैं कह रहा था कि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस लेजर को एक दफा जरा बना लेते हैं, ठीक है। ये बना रहेगा, जब आप कहेंगे तभी मिटाऊंगा, एक दफा इधर देख लेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग था, ब्रॉड डाउन कुछ नहीं था, फिर इन्वेस्ट किया ओनर ने 50 रुपये बिजनेस में, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हुआ। फिर बिजनेस ने 30 रुपये कमाए, तो ये प्रॉफिट भी कैपिटल में क्रेडिट हो गया। कोई ड्राइंग सवाल में नहीं थी, तैयारी करा दूं फिर भी चलो, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया जी, 80 2019, ठीक हो गया जी। 2020 की बात करें, जगह चले नहीं मिटाता, कैपिटल का अकाउंट 2020 में जब बनेगा तो ब्रॉड डाउन क्या आएगा, 80। फिर इस साल का प्रॉफिट 10, भाई मार्कर के लिए कहा है किसी को,
ड्राइंग्स अगेन सवाल में कोई नहीं है, तुम एक दिन मार्कर ले आए हो फिर चौधरी बन के चेक करके रखे आप, इतने मार्कर्स पड़े हैं बताते क्यों नहीं हो यहाँ पे, चेक करके रखे। अच्छा जी, ड्राइंग्स नील और क्लोजिंग 90 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, अब मुझे इजाजत दें कि मैं ये मिटा लूं, बच्चे नोट कर रहे हैं, अगर सिर्फ सिर्फ इसको सिर्फ ये जो मैंने बनाए थे, अगर किसी ने इस तरह से करना है तो, ज़रूरी नहीं है वैसे, होता ही है ना कुछ बच्चे कहते नहीं हमने करना ही करना है ये नोट, तो फिर वो जल्दी से कर लें इसको, बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो वो होते हैं दीदी बच्चे। इजाजत है, अच्छा अब अगर मैं इन दो साल की बैलेंस शीट बनाना चाहूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्ट ही बनाऊंगा, 2020 2019, तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज का जो पोर्शन था उसमें जो कैपिटल के लिए हम इतनी एक्सरसाइज करते थे ना, ऑन ओपनिंग, सॉरी ऑन ओपनिंग कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन जी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स क्लोजिंग, अब वो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने लेजर बना लिया है कैपिटल का, और ये ओपनिंग प्लस कैश प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग हम वहाँ पे निकाल चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हैं, कैपिटल, और 2019 में ये कैपिटल है 80 रुपये, 2020 में 90 रुपये, तो ये काम हम इंट्रो के अंदर सीख कर आए, ठीक हो गया, चाहिए। अब अज्यूम कीजिए कि भाई फ्रेम नहीं छेड़ने की जरूरत, आप बैठ जाएं प्लीज़, यहाँ से लगा दें फ्रेम और बस बैठ जाएं जी, अज्यूम कीजिए कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है। अब कंपनी के अंदर कैपिटल को हम क्या कहते हैं जी, शेयर कैपिटल, क्या कहते हैं जी, अच्छा ये शेयर कैपिटल के ऊपर ना, इसकी इश्यूएंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे टॉपिक्स के अंदर, हमारी ज़रूरत तो है ही, बड़ी तफसील से बात करेंगे, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, कैश के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, पार के ऊपर, पार वैल्यू क्या होती है, सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ जो है मैं आपको बस थोड़ी सी बात अपने मतलब की करके आगे निकल रहा हूँ, आगे टॉपिक्स के अंदर है इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल की बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर उसको सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात कि हम कंपनीज के केस में, क्योंकि एक बंदे का कैपिटल नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो कैपिटल लेकर आते हैं घर से, और कंपनी के इस बिजनेस के अंदर हर बंदे का शेयर होता है, ठीक है, तो हम फिर इस कैपिटल को जो है वो शेयर कैपिटल कह दिया करते हैं, कंपनी केस में कैपिटल को क्या कहा जाता है जी, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने एंट्री पास की थी, पहली एंट्री वो की थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना, और कंपनी केस में यही एंट्री क्या बन जाएगी, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कोई खास फर्क, ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल था ये, इन केस ऑफ अ कंपनी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या बन जाएगा, देखो जी वो क्या बन जाएगा जी, शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्रियां नहीं बदली, बस नाम बदल गया, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या कहेंगे जी आप, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा फिर देखें जी, ओपनिंग कितना था जी, ओपनिंग नील, घर से पैसे लाया ओनर 50 रुपये, एंट्री क्या पास की, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 50। अगली बात, एक तो ये कहा हमने कि कैपिटल अब क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल, दूसरा कंपनीज के केस के अंदर क्योंकि ओनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम घर से आने वाला पैसा ओनर का अलग रखते हैं और जो बिजनेस ने कमाया पैसा यानी प्रॉफिट्स उसको अलग रखते हैं। जैसे पार्टनरशिप के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत इंट्रो में, अभी इस दफ़ा वाले जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है, ठीक है, वो तो बहरहाल
देख के आए ना इस चीज़ को, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर हम करंट अकाउंट अलग कर देते थे और कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर लेते थे। उसमें क्या करते थे कि घर से आने वाला पैसा जो होता था सिर्फ उसकी वजह से कैपिटल अकाउंट को हिट करते थे, वरना बिजनेस जो कुछ कमाता था प्रॉफिट की जितनी अप्रोप्रिएशन होती थी वो कहाँ होती थी, करंट अकाउंट में। तो ये उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही है। ओनर जो घर से पैसा लेकर आया उसको हम रखेंगे शेयर कैपिटल के अकाउंट में, और जो बिजनेस ने कमाया ओवर द ईयर्स, जो बिजनेस ने कमाया, ये यहाँ तक लगा होना चाहिए फ्रेम, जो बिजनेस ने कमाया ओवर द ईयर्स, ठीक है, उसको हम अलग अकाउंट के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। और उस अकाउंट के अंदर चूंकि प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए पड़े होते हैं तो उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कह लेते हैं उस अकाउंट को, ठीक है, या उसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह लिया जाता है, ठीक है। तो जो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाने हैं वो एक अलग थलग अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं कंपनी के अकाउंटिंग में, ठीक है। उस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट भी कह देते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, दोनों ही नाम यूज होते हैं लेकिन हम क्लास के अंदर इनको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, जो बिजनेस में प्रॉफिट्स इकट्ठे होते रहे हैं अभी इस्तेमाल नहीं हुए। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब भी यही है कि अर्निंग्स हैं लेकिन अभी रिटेन्ड हैं बिजनेस में और वहीं पर यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इधर देखो, ओपनिंग ब्रॉड डाउन कितनी थी रिटेन्ड अर्निंग 2019 में, ये 2019 का शेयर कैपिटल अकाउंट है और ये 2019 का रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट है, ठीक है। 2019 के अंदर बिजनेस शुरू हुआ है तो पहले से थोड़े प्रॉफिट कहीं से आ रहे होने थे, नजर आ रहा है जी ये, ठीक है भाई, सही है। और जो प्रॉफिट्स बिजनेस ने इस साल कमाए कितने हैं, 30, वो यहाँ पे आ गए। अगर कोई ड्राइंग्स होती अगेन वो पार्टनरशिप की तरह से थोड़ा थोड़ा देन में आ रहा होगा, वो भी यहीं पे आती, लेकिन ड्राइंग्स है नहीं। और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स क्या आ गए, 30, ठीक हो गया। 2020 आया, शेयर कैपिटल का अकाउंट 2020 का क्या करेंगे जी, ये क्लोजिंग कितना पड़ा था, ये 50 का क्लोजिंग पड़ा था, ठीक है, ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा। लेकिन इस साल में घर से ओनर कोई पैसा नहीं लाए तो यही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स का जो लेजर है, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना होगा और मजीद जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया, यहां तक लगा देंगे फ्रेम 10, ठीक है जी। ड्राइंग्स कोई है नहीं सवाल में, ड्राइंग्स का नाम भी बदलेंगे इंशाल्लाह, वक्त आने पे बदल लेंगे, डिविडेंड कहते हैं इसको कंपनी केस में, फिलहाल ड्राइंग ही रहने दें आप, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो डिविडेंड कह दूंगा मैं उसको, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग 40। अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, दो हजार 19 और 2020 के लिए, ठीक है जी, तो कंपनी के केस में कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल होता है और उसके साथ हम रिजर्व्स ले लेते हैं, ठीक है जी। चलो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग होती है, चलो शेयर कैपिटल फिलहाल ऐसे ही बस, शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सारी बातें तो आई ना पढ़ाई जा सकती है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के पोर्शन में पहले आती है इक्विटी, और इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है, ठीक है जी। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं 30 और, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें डीप डाउन जाकर, 2019 में इक्विटी 80 ही है। इक्विटी का मतलब क्या है, ये ओनर के ही पैसे पड़े होते हैं, घर से लाए कुछ, बिजनेस ने कमाए कुछ, मुख्तलिफ नामों से, ठीक है ना। तो 80 रुपये ही हैं, बोलो 19 में ओनर के हिसाब किताब में 80 रुपये ही हैं, यहाँ पे भी वो 80 ही थे। 2020 में 90 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटेन्ड अर्निंग और शेयर कैपिटल, दरअसल ये कैपिटल को ही तोड़ के हमने दो अकाउंट्स बना लिए, घर से आने वाला कैश अलग रख लिया और जो बिजनेस ने कमाए प्रॉफिट्स वो अलग रख लिए, ठीक है, सही है। ये थोड़ी सी बात आपके साथ करनी थी, रिटेन्ड अर्निंग्स को समझाना था थोड़ा सा, ठीक है, कि हम रिटेन्ड अर्निंग्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये छोटी सी एग्जाम्पल ज़रा आपकी इंट्रो की भी रिविजन होगी, नोट करना है तो कर लें एक मिनट के अंदर अंदर।
जी ले आए। चले जी, अब बाबता तौर पर रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको जब पढ़ाया जाता है फिक्स एसेट का टॉपिक, ठीक है, तो बात इस तरह शुरू की जाती है कि रिकग्निशन क्राइटेरिया होता है। IS 16 कहता है कि आप किसी भी आइटम को एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सिर्फ उस सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर दो शरायत पूरी हों। पहली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल हों उस एसेट से आने, और दूसरी, कॉस्ट रिलायबली हो सके। ठीक है, फिर जब ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाता है कोई भी आइटम, तो हम उसे कहते हैं चलो अब तुम PPE हो। अब जब PPE हो का उसको लकब मिल जाता है, तो फिर अगला सवाल पैदा होता है, अगर क्राइटेरिया मीट कर गया है रिकॉर्ड करने का, कि रिकॉर्ड करें या ना करें, तो सेंड ने कहा हाँ इस फलां चीज़ को कर लो अब रिकॉर्ड, तो फिर अगला सवाल पैदा हुआ कि उसको रिकॉर्ड किस पे करें। तो उसने फिर आपको बताया जाता है इनिशियल मेजरमेंट एक चीज़ है। इनिशियल मेजरमेंट एसेट पहली बार जब आए हमारे बिजनेस में, तो वो किस चीज़ किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हो, तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती थी, एट कॉस्ट। और उस कॉस्ट के अंदर हम क्या लेते थे जी, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करते थे, याद आ रहा है। फिर अगली चीज़ आती थी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर हम क्या करें उसके लिए, तो उसमें फिर आपको वहाँ पे पढ़ा दिया जाता था सिर्फ इतना कि जी सब्सिक्वेंटली IS 16 अलाउ करता है कि आप अपने PPE को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, या तो कॉस्ट मॉडल पे रखें या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। और फिर वहाँ क्या कहा यह जाता था कि कॉस्ट मॉडल आपका सिलेबस में है, कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ़ एनी, ठीक है ना। तो इंपेयरमेंट भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल का यही कहा जाता था कि FAR 1 में जाकर पढ़ेंगे, तो आज रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों अलाउ किया जाता है, इसकी बात पहले थोड़ी सी करता हूँ पानी पीने के बाद। मुझे दो पहले। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने एक कुर्सी खरीदी, ठीक है जी, और 100 रुपए की खरीदी, यूजफुल लाइफ थी उसकी 10 साल, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो 10 रुपए वो कुर्सी डेप्रिशिएट हुई, और पहले साल के एंड पे इस कुर्सी की बुक वैल्यू है 90 रुपए। क्या चीज? बुक वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ लोग उठे, आपको बताइए ऐतराज करने वालों का काम क्या है, ऐतराज करना। तो कुछ लोग उठे और उन्होंने उठ के कहा ये अकाउंटेंट्स की हमें समझ नहीं आती, इनके पास ना एसेट्स जो होते हैं वो इनकी को अपनी किताबी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है जी? किताबी, बुक वैल्यू, किताबी वैल्यू, एक अजीब सी वैल्यू है, पता नहीं किस बेस के ऊपर इनके पास एसेट पड़े होते हैं। भाई 25 साल पुराना एसेट है वो, अभी मार्केट के अंदर वो मिले भी ना, आपकी किताबों में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपसे आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, आप उसको कॉस्ट मॉडल पर रख के डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं। तो मोहतरजीन ने एतराज़ किया इसके ऊपर कि ये अकाउंटेंट्स की बात हमें समझ नहीं आती, कि ये किताबों के अंदर एसेट को एक W रिटर्न डाउन वैल्यू, पता नहीं क्या बुक वैल्यू, पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसके ऊपर रखते हैं। हालांकि मार्केट के अंदर इस कुर्सी की वैल्यू हो सकता है इस वक्त 120 रुपये हो सकता है इस वक्त 70 रुपये हो। तो मार्केट के अंदर एसेट की वैल्यू कुछ होती है, और ये अकाउंटेंट्स अपनी किताबों में एसेट को कुछ वैल्यू पे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें इस पे एतराज़ है। तो फिर मोहतरजीन का एतराज़ दूर करने के लिए IS 16 ने एक अल्टरनेटिव दिया, ठीक है ना। क्या दिया? मेजरमेंट बेसिस है ना ये बेसिकली, इसको मेजरमेंट बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट बेसिस कब? सबसीक्वेंट मेजरमेंट पे, चलो ऐसे बोल देता हूँ, सबसीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? वो तो हमेशा कॉस्ट पे होती है, वहाँ पे उसकी फेयर वैल्यू ही कॉस्ट होती है। लेकिन सबसीक्वेंट मेजरमेंट में IS 16 अल्टरनेटिव जो है वो अलाउ कर देता है कि आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पर रहो, और चाहो तो, हाँ ये चाहो तो है, कोई हमें ज़बरदस्ती फिर भी नहीं कर सकता। बस जिन लोगों ने मोहतरजीन का एतराज़ दूर करने की कोशिश करनी है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएंगे, और जिनको नहीं कोई परवाह नहीं है वो कॉस्ट मॉडल पे ही रहें, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन IS 16 ने दे दिया
ठीक है, कि आप क्या करो, आप चाहो तो इसको अपने एसेट को उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाओ, उठाकर किस पे ले जाओ, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो हमारी किताबों में ये कुर्सी की कीमत आ रही है 90 रुपये, और मिसाल के तौर पे मार्केट में इसको हम लेकर गए कुर्सी को उठाकर, हमने कहा ये कुर्सी भाई, हमने कहा जी कोई खरीदने वाला कितनी खरीदेगा, तो एक भाई ने आवाज लगाई, उसने कहा जी यहाँ पर इस कुर्सी की कीमत आपको 120 रुपये मिल जाएगी, और मार्केट की उसकी जो वैल्यू है फेयर वैल्यू वो क्या है जी 120। तो 120 रुपये की जो कुर्सी है, तो फिर 30 रुपये का हमें क्या आ गया इसमें है गेन, ठीक है, गेन या ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग की बात बाद में करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम समझ आ गई और थोड़ी सी बात भी समझ आ गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा एसेट किताबों में नजर आ रहा है जिस वैल्यू पे, एतराज करने वाले ने कहा कि ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो फिर हम इसको फेयर वैल्यू पे जब उठाकर ले जाने लगे तो हमें फिर इसी बुक वैल्यू को कंपेयर करना पड़ा फेयर वैल्यू। दो बातें, ठीक है, तो ये बड़ी अहम बात है, बुक वैल्यू कंपेयर किया किससे हमने, फेयर वैल्यू से, और हमें गेन भी आ जाएगा और कभी लॉस भी आ जाएगा, ठीक है, समझ गए वो बात। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं अपना पहला जिंदगी का। कंपनी एक्स परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2015, इट्स यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016 एट ₹120 मिलियन, ठीक है जी। तो कैच करना है, देखते हैं, बता दो पल्ली साहब। अच्छा जी, 120 मिलियन पे तो लेके जाएंगे ना 1 जनवरी 2016 पे, ठीक है, फिलहाल तो 1 जनवरी 2015 को जो हमने खरीदा है वो इंट्रो वाली अकाउंटिंग वो तो करें, 1 जनवरी 2015 को खरीदेंगे, फिर उसको 31 दिसंबर 2015 पे डेप्रिशिएट करेंगे, तो वो सारे काम तो कर लेना, रिवैल्यूएशन को भी देख लेते हैं, वो भी कोई नहीं इतना मुश्किल काम, बहुत आसान काम है, ठीक है। तो चलें सवाल शुरू करते हैं। जज़ाकअल्लाह भाई, जीते रहो। सबसे पहले हम वर्किंग रिवैल्यूएशन जब भी आएगी हम एक वर्किंग किया करेंगे, ठीक है, क्या किया करेंगे। अच्छा, और बस जैसे आज वर्किंग कर लेंगे ना जिस फॉर्मेट पे, बस फिर हमारी सारी रिवैल्यूएशन में वही वर्किंग का फॉर्मेट रहेगा। अच्छा, मजे की बात, वर्किंग का फॉर्मेट वो पहले ही किया हुआ है, ठीक है ना, वो जो पहले दिन आपको डेप्रिसिएशन सिखाई थी ना मैंने रिवीजन के अंदर, ठीक है, इंट्रो वाली के, ताकि सब बच्चे एक जैसे आ जाएं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए, दोनों के लिए एक फॉर्मेट बनाया था, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, बस वही वर्किंग है, उसके आगे जरा दो कॉलम और हम इंशाल्लाह ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जब आप FIR 2 में जाएंगे तो उसी वर्किंग के आगे दो कॉलम भी रख ले, साथ और ऐड कर देंगे, तो वर्किंग का फॉर्मेट वही रखेंगे आप इंशाल्लाह, और जिंदगी में फिर इसी को यूज करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या किया करेंगे जी, ले नोट कर लें, नोट कर लें, समझ आ रहा है। ओके, अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, वर्किंग किया करेंगे, ठीक है जी। ओके, और वर्किंग का फॉर्मेट क्या होगा जी, डेट। बेटा ये कोना नजर आएगा, फिर अब भी क्या कर सकते हैं, जगह कम है, मैं इस तरफ चला जाऊंगा, नहीं मेरे लिखने के बाद तो नजर आएगा ना, मैं अगर हट जाऊंगा तो ऐसे, ठीक है। अच्छा, डेट आप कह रहे हैं ऐसे लिखूं मैं, वो मुझे लिखा नहीं जाता, डेट, चले स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उसके बाद, अच्छा फिलहाल एसेट ही लिख लें, वैसे उसूली तौर पे बिल्डिंग को लिख लेना चाहिए था, लेकिन फिलहाल चूंकि पहला दिन है तो मैं एंट्री याद करवाते हुए, एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट करना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको, आप फील करेंगे इसमें, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखा ना, अजीब गरीब होगी हमारी वर्किंग, फिर एसेट, और रुक जाए, ठीक है, कितनी वर्किंग तो हमने वैसे ही की हुई है, तो वही वर्किंग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। किस दिन एसेट को खरीदा भाई, 1 जनवरी 2015 पर, ठीक है, और इस एसेट की कॉस्ट क्या है, 100, ऊपर लिख लेना एक बार रुपीज इन मिलियन, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, पास जर्नल एंट्रीज, वर्किंग के बाद हम क्या किया करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास किया करेंगे, तो 1 जनवरी 2015 पर ये जो एसेट आपने खरीदा है, इस एसेट को खरीदने की एंट्री क्या आप कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, सिंपल सिंपल बातें इंट्रो वाली, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पहली एंट्री किस दिन होगी, 1 जनवरी 2015 पर, क्या एंट्री होगी बोलने जरा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 100 से, लो भला बताओ, कोई मुश्किल बात है अभी तक हमने की नहीं ना की। अच्छा, ये सवाल तो हमने देख लिया ना, बस ये याद रख लो, इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016 एट 120 मिलियन, ये याद कर लो, ये इशारा कर रहा हूँ भाई मैं इधर,
जी इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016 एट ₹120 मिलियन, ठीक है, सही है। तो 1 जनवरी 2016 पे 120 रुपये पे लेकर जाना है, बस ये याद रख लेना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये फिलहाल सवाल को क्या करने लगा हूँ, बंद करने लगा हूँ मुझे, लेकिन रिमोट नहीं नज़र आ रहा, मिल गया, हाँ अच्छा जी। तो पहली एंट्री हो गई भाई, उसके बाद क्या होगा भाई, यकम जनवरी 16 पे एसेट रीवैल्यू हो रहा है ना, तो फिर यकम 16 दूर की बात है, पहले 31 दिसंबर 2015 ने आना है, तो डेप्रिशिएट करेंगे हम, तो 31 दिसंबर यही तैयार किया था दूसरा था, 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, सवाल खामोश है, सवाल खामोश है भाई, बैठ जाओ, उधर किधर आ रहे हो, काम है कोई, मुझसे काम है तो क्लास के बाद में, अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ जी, उधर ही बैठ जाओ, मैं देखता हूँ मौका जी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, सवाल ने नहीं बताया हुआ था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, आपको सवाल नजर नहीं आ रहा, वही नहीं भाई, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, इट्स यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स और रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, तो 100 माइनस 0 ओवर 20, तो मैं माइनस 0 नहीं लिख रहा, ठीक है, तो कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ कितने, 20, ठीक है जी, कितना आ गया, 5 रुपए, बुक वैल्यू कितनी आ गई, 95, तो हमारी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 15 पर 95 आ गई, तो ये जो 5 रुपए की डेप्रिसिएशन आई है 31 दिसंबर 15 पे, इसकी एंट्री क्या है जी, बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कोई भी साथ साथ नोट ना किया करे प्लीज, ठीक है जी, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 5। अच्छा जी, नरेशन इसके लिखने चाहिए वैसे सवाल में, अगर जब तक वो कहे ना, जनरल एंट्रीज मांगे और स्पेसिफिकली ये ना कहे ना कि नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, तो नरेशन हमने लिखना होता है, ठीक है ना, तो नरेशन क्या है, पहली जनरल एंट्री का नरेशन क्या है, परचेज एसेट, बस नरेशन खत्म, परचेज एसेट और क्या आगे नोट लिखना है कोई, ठीक है 10 नंबर का, अब परचेज एसेट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्डेड, ठीक है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ये भी बहुत है, नरेशन ही है ये, बता दो बस कि क्या गया होगा, ठीक है ना, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएंगी एंट्रीज ना, ठीक है, सवाल में 31 दिसंबर 15 और बस 16 की एंट्रीज है, एक दो, ठीक है जी, फिर यहाँ पे आज चलो लेजर्स बना लेते हैं, वैसे हमारी एंट्रीज तकरीबन यहाँ तक आया करेंगी, अब आगे आने वाले सवालों में तो लेजर्स यहाँ पे बना करेंगे, तो हम ये बनाते रहेंगे, तो ये तीनों काम करने हैं हमने, आज तो सीख रहे हैं ना, तो स्लो स्लो सारे काम सीख लेते हैं, ठीक है। अब कौन से दो लेजर्स वजूद में आए हैं इस साल के अंदर, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है जी, दो साल का बनाना है इसलिए मैं थोड़ी जगह छोड़ दी, ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट वैसे, लेकिन मैंने एसेट अकाउंट लिखा है फिलहाल जी, तो 1 जनवरी 2015 पर ब्रॉड डाउन कुछ नहीं था, जो हमने एसेट खरीदा इसकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपये से, ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2015 पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बना, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमाग में डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा ओपनिंग इसका भी कोई नहीं था, इस साल में से पहली ट्रांजेक्शन यही पड़ी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, कितना जी 5, और हमारा साल क्लोज हो गया 31 दिसंबर 2015 पर, बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन कितना आ गया 100, ठीक हो गया जी, और एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट का भी क्लोजिंग क्या आ गया जी ईयर एंड पर 5, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, तो फिर जल्दी से इसको नोट करें, लेकिन जरा देख लें, जरा प्लानिंग देख लें, इस वर्किंग ने भी अभी आगे चलना है, ठीक है, कम से कम भी आपने इसके लिए 10 लाइनें छोड़ देनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम अच्छा है, हो सकता है मैं आपको एंट्री समझा गया हुआ, जो समझानी है वो समझा ली, हो सकता है मैं एक रिवैल्यूएशन और डाल दूँ आगे, नहीं तो फिर यहीं पर रोक देंगे, ठीक है ना, तो बहरहाल आप 10 एक लाइनें इसके नीचे खाली रखिएगा,
और यहाँ पर तकरीबन 4 एंट्रीज़ की जगह खाली रखिएगा नीचे, ठीक है। और ये तो बाल बन ही गए हैं, बस एक ही खाली आगे आना ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लान करें, नोट करें। देखें असूली तौर पे तो सवाल की रिक्वायरमेंट हमें देखनी चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट जनरल एंट्री हो तो सबसे पहले जनरल एंट्री की हेडिंग हो और वर्किंग आगे कर लें, लेकिन फिलहाल आप इसी तरह से चलाएं, फिर देख लेते हैं छोटी मोटी बातें कैसे प्लान करना है। तो मैं उसको मुश्किल है ये, इसमें क्या मुश्किल है, बेशरम आदमी, इसमें कुछ मुश्किल है अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल है ही नहीं। भाग्य हूँ यही समझ आते, टाइम भी है भाई। अच्छा जी, अब भाई बस ये ठीक है यार, जो चल रहा है वो चलने दो, क्रॉस पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, ओके। अच्छा जी चलें आगे, चलें जी। अब वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, अब सवाल ऑन करके रख सकते हैं। अब वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, हमारा एसेट क्या हो गया जी, रीवैल्यू, ठीक है। इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016 एट 120, ठीक है जी। 1 जनवरी 2016 पर हमारा ये एसेट क्या हो रहा है जी, रीवैल्यू। अब करना क्या है, वर्किंग की हद तक क्या करेंगे हम, एक लाइन खाली छोड़ देंगे और एक लाइन खाली छोड़कर उससे अगली लाइन में लिखा करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, क्या लिखा करेंगे जी, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बताई अभी आपको, 120 नहीं यार, हाँ 120 मिलियन है, ठीक है, मुझे लगा 160 जी। तो एक लाइन खाली छोड़कर क्या लिखोगे, रीवैल्यूड अमाउंट, और वो कितनी है जी। अच्छा इसकी वजह क्या है, क्यों मैंने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम जिस दिन रीवैल्यूएशन करते हैं उस दिन हम बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से, ठीक है, फेयर वैल्यू है मार्केट वैल्यू, ठीक है। हमने बुक वैल्यू कंपेयर करना है किससे, हमारी इस वर्किंग में बुक वैल्यू ऑलरेडी आ रही है तो फिर कंपेयर किससे करना था, मार्केट वैल्यू से, तो वो मार्केट वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। लाइन की थोड़ी अभी पता लग जाता है, ये बात समझ आ गई। तो जिस दिन रीवैल्यूएशन होनी है उस दिन हमने क्या करना है, उस दिन की बुक वैल्यू को उस दिन की मार्केट वैल्यू से क्या करना है, कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो क्या किया करेंगे वर्किंग में, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा अब वो कुर्सी वाली एग्जाम्पल भी इतफाक से ये नहीं मानी, अच्छा 10 की डेप्रिसिएशन बस फर्क किया, ठीक है जी। तो अब बताओ मुझे, एक एसेट हमारा 95 का पड़ा है और हम कह रहे हैं इसको उठाकर ले जाओ 120 पे, तो फिर 25 रुपए का क्या आ गया, गेन आ गया। इस गेन को कहा जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन गेन भी कह सकते हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन गेन। और ये हमने कैसे निकाला इस वर्किंग में, बैलेंस, ठीक है, ये बात समझो, अभी रुक जाओ, ठीक है। क्या किया हमने, एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, ठीक है जी। उसके बाद रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू कंपेयर किया, बुक वैल्यू 95 पे एसेट पड़ा है, लाना है इसको 120 पे, तो बढ़ाना पड़ा, प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, 25 माइनस नहीं ना, प्लस है, ठीक है। ये क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। अब यहां पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लो और उस कॉलम का नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम, क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन
सरप्लस में कितना सरप्लस नजर आने लग गया आप 25, ठीक है। अगर इसको मैं आर एस लिख दूं तो नहीं लिखूं, लिखूंगा मैं, जाओ कर लो जो कर। रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये लिखा तो हुआ, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया 25 का। अच्छा तरह देखना जरा ध्यान से, एक दफा अभी नोट करने का टाइम देता हूँ। 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95, 95 प्लस 25 इज इक्वल टू, तो ये क्या है, इज इक्वल टू, बटा के नीचे क्या है, इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखना था ना अभी 25, तो आपने कहा था ये क्या 25/25, भाई 25/25 नहीं है, 0 0, ये देखो यहां पे कुछ होता तो, लेकिन यहां पे क्या है फिलहाल 0, 0 प्लस 25 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए परेशान नहीं होना। ओके लिखा है 0 नहीं लिखा है, ठीक है। अब नोट कर ले, वर्किंग की हद तक हमने रिवैल्यूएशन कर ली, तो वर्किंग में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर लिखेंगे रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस से सरप्लस या लॉस निकालेंगे। आज पहला दिन है सरप्लस ही आना है, देखेंगे दूसरा शायद कल भी आता रहे सरप्लस ही, देखेंगे। बहरहाल 25 का जो सरप्लस आया है इसका अपना कॉलम बना लिया, 25 का सरप्लस उसमें लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है टोटल, ऊपर 0 था ये 25 आ गया, अगर ऊपर कुछ पड़ा था तो ये ऐड हो जाता, ठीक है ना, जल्दी नोट करें। जी वो कंफ्यूजन। अब रिवैल्यूएशन का दिन है, 16 के साल की एंट्रीज करनी है ना, 31 दिसंबर 16 वाले साल की एंट्रीज है, 31 दिसंबर 16 में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, 1 जनवरी 16 पर रिवैल्यूएशन होने जा रही है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम पता है क्या करना पड़ेगा, देखें ये है हमारी वर्किंग, ये क्या है जी, वर्किंग है हमारी, ठीक है, तो चलो ठीक है ऐसे। अच्छा वर्किंग है हमारी, इस वर्किंग में हमारी वर्किंग का फॉर्मेट ऐसा है कि ये बुक वैल्यू हमें शो कर रही है, आगे अभी डेप्रिशिएट करेंगे फिर, तो बुक वैल्यू वर्किंग का फॉर्मेट यही है ना, इसी पे आधार डाली थी ना आपको, ठीक है, कि ये वर्किंग क्या करती है, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, हर डेप्रिसिएशन के बाद ये बुक वैल्यू रिसेंट हमें बता रही होती है वर्किंग, ठीक है ना, तो वर्किंग तो हमें बुक वैल्यू बता रही है। और हमने क्या किया, हमने इस बुक वैल्यू को कंपेयर कर लिया इस मार्केट वैल्यू से, वर्किंग में बुक वैल्यू आ रही थी तो वर्किंग की बुक वैल्यू को हमने कंपेयर कर लिया मार्केट वैल्यू से, गेन लॉस निकाल लिया, ठीक है, सबकी तवज्जो है, अकाउंट ये रिवैल्यूएशन की सबसे मेन बात होने लगी है, सबसे मेन दो बातों में से एक बात होने लगी है, ठीक है जी। तो अकाउंट्स की तरफ अगर आए ये देखें, सबसे पहला काम क्या होगा, 1 जनवरी 16 पर हम ओपनिंग लिखेंगे, ये कितना आएगा 95 आएगा, बोलो 95 आएगा, प्रॉब्लम समझ आई कुछ, एक्यूमुलेटेड डेब्शन का बैलेंस ओपनिंग अलग पड़ा है 5, यानी कि हमारी वर्किंग का फॉर्मेट तो था ही ऐसा कि उसने हमें रेडीली बुक वैल्यू अवेलेबल कर दी, ठीक है, सही है ना, लेकिन हमारा एसेट अकाउंट बन रहा है एट कॉस्ट, क्योंकि एक्यूमुलेशन को हमने अलग रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम रिवैल्यूएशन करना चाहें तो हमारे पास तो एसेट अकाउंट शो ही क्या कर रहा है कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को तो नहीं ना रिवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर कर सकते, बात समझ रहे हो, तो फिर सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट अकाउंट को लाना पड़ेगा बुक वैल्यू पे, एसेट को किस पे लाना पड़ेगा, एसेट को बुक वैल्यू पे लाएंगे तभी वो कंपेयर होगा ना मार्केट वैल्यू से गेन लॉस निकालने के लिए। वर्किंग में क्यों नहीं लाना पड़ा एसेट को, वर्किंग का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही थी, लेकिन लेजर हमारा जो बन रहा है वो एट कॉस्ट है, तो वो इस एसेट की कॉस्ट शो कर रहा है, बुक वैल्यू शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब जरा सोच के बताओ कि इस एसेट को 100 रुपए वाले एसेट को 95 की बुक वैल्यू पे लाना, यानी 5 की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी है, तो सोच के बताओ क्या करना चाहिए हमें, बोलो क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो 5 पड़ा है उसको यहां से निकाल के एसेट अकाउंट में फेंक दें, तो हमारे पास यही एसेट किस पे आ जाएगा, बुक वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये 5 रुपए यहां से ट्रांसफर करने हैं, यहां से ट्रांसफर कर देने हैं एसेट अकाउंट में, ठीक है। अच्छा जी,
जी जी इसी दिन, ठीक है, डेट भी लिखते हैं, पहले डेट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यकम जनवरी 16 को हम ये ₹5 इस दिन तक की, पांच बड़े हैं ना, ये यहां से निकालेंगे डेबिट, एक्युमुलेशन अकाउंट में से कुछ निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना, इसको क्या कर देंगे डेबिट, और एसेट अकाउंट में इसको फेंकना है तो इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। अब हमने ये क्या किया है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जितना बैलेंस पड़ा था रिवैल्यूएशन की डेट तक, वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया हमने एसेट अकाउंट से, यहां से निकाला यहां पे फेंक, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट, ठीक है, और यहां पे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किस दिन, यकम जनवरी 16, ठीक है। तो यकम जनवरी 16 पे सबसे पहली एंट्री हमने क्या पास की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से जी, पांच से। इसकी नरेशन आपने लिखी ट्रांसफर ऑफ, मैं लिखवाता हूं अभी, हाँ पहले ये एंट्री लिखी ना ताकि नरेशन लिख सकें। यार इसका चार्जर किसी नहीं लगाया आज, मेरे मोबाइल में लैपटॉप के बैग किधर है, ये बड़ा जाकल्ला बेटा आ जाओ, तुम्हारा ही है जी भाई, ये प्रॉब्लम समझ आई है, प्रॉब्लम क्या हुई, एसेट अकाउंट वर्किंग नहीं, एसेट अकाउंट पड़ा है कॉस्ट पे, एसेट अकाउंट में एसेट पड़ा है कॉस्ट पे, हमें वो चाहिए क्यों, बुक वैल्यू पे चाहिए ताकि उसको कंपेयर करें मार्केट वैल्यू से, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकालें। तो एसेट अकाउंट जो मार्केट जो कॉस्ट पे पड़ा है उसको बुक वैल्यू पे लाने का क्या तरीका है, ना एक्युमुलेशन का बैलेंस पड़ा है उसको उठाकर एसेट अकाउंट में फेंको, वो एसेट वही बुक वैल्यू पे आ जाएगा, ये चेक कर लो आप, ये एसेट 100 प्लस है ना, पॉजिटिव है, डेबिट है, और ये 5 क्रेडिट है, तो नेट होकर अब 95 पे आ गया, सही है ना। तो ये जो एंट्री हमने पास की है एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट, इसका नरेशन अब लिखना शुरू करो, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट, क्यों, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। इतनी लंबी आपने नरेशन पर्चे में नहीं लिखनी, पर्चे में तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन बस, लेकिन तो आपको समझाना था ना कि ये क्या किया हमने, हमने ट्रांसफर किया एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के जितना बैलेंस था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बैलेंस, जितना बैलेंस उसमें इस रिवैल्यूएशन के दिन तक पड़ा होगा, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन होती तो 2 साल की डेप्शन पड़ी होती, 5 साल बाद रिवैल्यूएशन होती तो 5 साल की डेप्शन पड़ी होती, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, हो गया ये काम। अच्छा नेक्स्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने ऊपर की, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, भाई रिवैल्यूएशन बस यही है, रिवैल्यूएशन बस ये दो एंट्रीज ही हैं, पहली एंट्री ट्रांसफर करना एक्युमुलेशन को एसेट अकाउंट में ताकि वो बुक वैल्यू पे आए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करें और गेन लॉस निकाल लें, ठीक है, और दूसरी एंट्री जो गेन लॉस आया है उसकी जनरल एंट्री परफॉर्म कर लें, दिस इज रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब हमें क्या आया है, गेन आया है या लॉस आया है, गेन आया या लॉस आया है, गेन आया है 25 से, एसेट है ना, एसेट, एसेट में पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एसेट बढ़ा है, फायदा हुआ, देखो 5 माइनस हो रहा है, हमने क्या कहा था ये एक्सपेंस है, ये कहा था ना डेप्शन क्या है, एक्सपेंस है, 5 कम हुआ तो ये एक्सपेंस है, 25 बढ़ा तो ये क्या है, इनकम गेन, ठीक है। तो एसेट क्या हो गया, 25 से बढ़ गया, मोहतरजीन का एतराज दूर करने के लिए हमने एसेट को क्या कर दिया, एसेट अकाउंट को 25 से डेबिट कर दिया, ठीक है, और जरा देखना अभी नोट ना करना प्लीज, अभी ये चीज चेंज हो जाना, ठीक है ना, और हमें क्या आ गया जी, रिवैल्यूएशन गेन, और इस गेन को हम ले गए प्रॉफिट एंड लॉस में ₹25। अब जरा थोड़ी देर के लिए सबकी तवज्जो, मुझे शदीद वाली तवज्जो चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इनकम आती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इसी में आता है, ठीक है, कितना 25, और
मिसाल के तौर पे बाकी का प्रॉफिट जो था वो 100 था और ये नेट प्रॉफिट कितना बन गया 125। ये चलो 100 ना करो 10 करो तो ये कितना बन गया 35। ठीक है जी, अब ये नेट प्रॉफिट ने अभी अभी हमने बैलेंस शीट बनाई, शेयर कैपिटल अलग पड़ा होता है ना, ठीक है, शेयर कैपिटल जितना भी होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स में ये 25 रुपये चले जाएंगे। और बोलो यहीं पे बनाया था ना, प्रॉफिट से कहाँ जाना है? हाँ हाँ 35 है। प्रॉफिट्स में क्या, प्रॉफिट्स में कहाँ जाना होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना होता है ना, ठीक है। अब ये 35 की रिटेन्ड अर्निंग्स देखी शेयर होल्डर्स ने, लाल टपकने लग गई, आ गए डायरेक्टर्स के पास, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा और तुम लोगों ने ये 35 की अर्निंग्स रिटेन की हुई है, और कुछ खुदा का खौफ करो, हमें भी कुछ बांटो। बिजनेस के प्रॉफिट्स में से ओनर को बांटे ही जाते हैं डिविडेंड के नाम से, ठीक है। तो आगे ओनर डिविडेंड मांगने, ठीक है, हो गया ना मसला। ये क्या है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, हमने इसको फेंका कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम, ठीक है। जब ये यहां फेंका तो ये नेट प्रॉफिट में आया, यहां से रिटेन अर्निंग में गया, और ऐसे दूरबीन लगा के बैठे हुए थे शेयर होल्डर्स ने कहा 35 के प्रॉफिट्स तो कुछ हमें भी दो, ठीक है, मांगेंगे। अब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें से तो शायद सिर्फ 10 का प्रॉफिट अभी हमने कमाया है, 25 का अभी कमाया नहीं है। ये गेन हमने क्या एसेट बेच दिया? नहीं, हमने जस्ट एसेट को उठाकर फेयर वैल्यू पे रखा कि जी आज इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब ये गेन कमाया नहीं है, ये रियलाइज नहीं हुआ, ये अभी अनरियलाइज गेन है। जब हम कभी फ्यूचर में इसको बेचेंगे तो फायदा आएगा, फिलहाल तो नहीं बेचा, वो सही है ना। रीवैल्यूएशन मॉडल पे पड़े हुए एसेट को लेकर जाते हैं ना, एसेट बेच देते तो फिर ना एसेट होता ना कोई मॉडल होता, ठीक है। तो एसेट को हमने मोतरजीन का एतराज दूर करने के लिए, बात हजम हो रही है, मोतरजीन का एतराज दूर करने के लिए एसेट को उठा के हमने कर दिया 25 से ज्यादा। अब जब गेन रिकॉर्ड किया, ठीक है, ये 25 का, तो प्रूडेंस ने आके पकड़ लिया, भाईजान ये कोई गेन आपने कमा लिया है? हमने कहा नहीं, कमा लेंगे फ्यूचर में। उसने कहा फ्यूचर के गेन को तो रिकॉर्ड करने की इजाजत ऐसे ही है, ठीक है। एक तो प्रूडेंस ने हमें पकड़ लिया, और दूसरा ये शेयर होल्डर्स, ये तलवार, ठीक है, आगे पैसे लेने, नहीं हमें तो दो, हमें तो ये 25 तो हमें पहले दो ना, ये वाला 25 पहले दो। हम कह रहे हैं यार हमने ये अभी कमाई, ये पैसे आए नहीं हमारे पास अभी, कैसे दे दें आपको? वो कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें तो बस ये पैसे चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके लिए अकाउंटेंट ने सोचा कि ये वाली चवल अगर हमने मार दी ना तो ये पैसे वो लेने आ जाएंगे, हम इसको नेट प्रॉफिट में नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे तो FAR 2 में जाकर, लेकिन इसका फॉर्मेट इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी सिखानी है आपको, कुछ चीजें सिखानी होती है, तो एक फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसका। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस होता है और अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, ठीक है, ये टोटल मिलकर फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अब जरा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके अंदर हम सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स को लेते हैं, जो नेट प्रॉफिट तक की कहानी होती है, ठीक है। इसमें नजर आएगा सिर्फ क्या चीज, 10। इस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नीचे अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम आती है, जिसमें ऐसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं जो आपके FAR 1 के लेवल में तो एक ही है, रिवैल्यूएशन। FAR 2 में जाकर दूसरा कौन सा देखेंगे, बारह में एक ही आया है, ठीक है। दूसरे FAR 2 में जाकर बहुत सारे और भी आ जाएंगे यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन्स, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अब पता क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा सिर्फ 10 रुपया, ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये यहां से होकर अलग, इस रिटेन्ड अर्निंग से अलग थलग अपने ही नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस 25। अब जब यूजर आएंगे वो आके देखेंगे, हाँ ये पैसे बिजनेस ने कमा लिए हैं और ये अभी कमाए नहीं हैं, हाँ कमा लेंगे, तो फिर वो पैसे मांगते हुए भी थोड़ा सा हाथ हौला रखेंगे कि यार पैसे तो थोड़े ही पड़े हमारे पास, बिजनेस को चलने दो जरा, ये अभी कमाए नहीं है, ये कमा लेंगे। तो ये रियलाइज्ड गेन्स हैं और ये अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस गेन को, रिवैल्यूएशन सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको ना तो प्रूडेंस हमें फेंकने देता है और ना ही शेयर होल्डर्स छोड़ेंगे, फिर हमें पैसा मांगने आ जाएंगे जबकि हमारे पास ये होगा ही नहीं। तो फिर इसका हल्के अकाउंटेंट से निकाला है कि इस रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या करेंगे, एसेट तो बढ़ गया, एसेट तो डेबिट हो गया, ठीक है, लेकिन सरप्लस किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्रेडिट किसको कर देंगे जी, रिवैल्यूएशन। पहला दिन है जी, पूरा लिख दें, अच्छा भाई इतना की लिख सकता हूँ फिर भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा ऐसे रिवैल्यूएशन सरप्लस और RS लिख दूँ तो मसला तो नहीं है ना, कोई वजह ना आगे कुछ और भी लिख लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI, ठीक है। हमने गेन इन PNL, या यूं कह लूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस इन PNL, यहाँ पे वही लिख देता हूँ ऐसे, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन PNL लिखा था ना थोड़ी देर पहले, और क्या हो गई थी, गड़बड़,
क्या कही थी जी? गढ़। हमने कहा रिवेन्यू सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ना लेके जाओ, रिवेन्यू सरप्लस को ओसीआई में ले जाओ। रिवेन्यू सरप्लस में ये जो ओसीआई है ना, ओसीआई ये रिटेंड अर्निंग में नहीं जा सकता। रिटेंड अर्निंग में क्या जाता है? नेट प्रॉफिट। बस ये याद रखना, मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ओसीआई से होता हुआ हमारा बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा, अलग थलग नजर आएगा, ठीक है, अलग थलग नजर आएगा, ताकि यूजर जो है इस 25 रुपए में से कोई पैसे अभी ना मांग ले, ठीक है। तो फिर हमारी रिवैल्यूएशन की ये दो ही एंट्रीज है। नंबर वन सुन लो पहले, नंबर वन ट्रांसफर करेंगे जितना भी बैलेंस इक्विटेशन पड़ा होगा वो एसेट अकाउंट, ठीक है। और भाई ये रिवैल्यूएशन ना अभी तक एक हफ्ता तो सिर्फ रिवैल्यूएशन ही चलनी है, ठीक है ना, जिसमें मैंने क्या करना है आपके साथ, कभी ये रिवैल्यूएशन एक है ना, कभी ये दो कर लेंगे, ठीक है। अभी गेन है, अगली पे लॉस आ जाए, फिर पहले लॉस हो अगली पे गेन आ जाए, तीन रिवैल्यूएशन भी करेंगे, चार करके देखेंगे, डिफरेंट केसेस जितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो करके देखेंगे, स्टार्ट ऑफ द ईयर कर रहे, एंड ऑफ द ईयर करके देखेंगे, मिड ऑफ द ईयर करके देखेंगे, ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए इसको नहीं सोचना आपने कि ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, वो सब कुछ जो पॉसिबल है इंशाल्लाह वो सब करके देख लेंगे। फिलहाल तो पहला दिन है, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहे, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन की बहरहाल दो ही एंट्रीज रहेंगी, जो मर्जी कर लो, जितनी बार मर्जी रिवैल्यूएशन करो, जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन की बस ये दो ही एंट्रीज हैं। पहली ट्रांसफर की एंट्री, क्या एंट्री है, सब बोले पास होने वाले, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, क्यों, ताकि एसेट किस पे आ जाए, उसके बाद कंपेयर हुआ तो 25 का क्या आया, गेन सरप्लस या गेन, उसकी एंट्री क्या बनी, एसेट तो बढ़ गया ना, एसेट प्लस तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक हो गया, सही है ना। चले एंट्रीज पास भी कर लें, पहली एंट्री पास कर ली आपने, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, डन हो गया। दूसरी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है ही नहीं, तो बना लें कि बिल्कुल। और देखो कैपिटल, कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है, थोड़ी देर पहले हमने देखा रिटेन्ड अर्निंग्स नया वजूद में आया, उसकी भी क्या नेचर थी, क्रेडिट, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी क्या है, गेन है, प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अनरियलाइज्ड हैं, वहीं पे पड़ा है, तो इसकी भी नेचर क्या है, क्रेडिट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाते हैं जी। जी अभी तक तो इसमें कुछ था नहीं, पहली बार ये बैलेंस आ रहा है जी। एंट्री बनी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात ये फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, अगर आप डायरेक्ट ही बस रिवैल्यूएशन सरप्लस को सोच लें, ठीक है ना, सही है। जो नेट प्रॉफिट है उसमें सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स होते हैं, ठीक है, वो रिटेन्ड अर्निंग में जाते हैं, और फिलहाल यूं रूट ना, रूट को अभी साइड पे रखो, ये रूट फिर समझाऊंगा मौका आने पे, ठीक है ना, अभी रूट नहीं समझाना, अभी बस इतना याद रख लो कि ये क्या एंट्री हो रही है जी, ये एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, वो अलग पड़ा है, बस समझो डायरेक्ट ही बैलेंस शीट के अंदर ये सरप्लस हमने रिकॉर्ड किया है रिटेन्ड अर्निंग से हटा के, ठीक है ना। जरा रूट को फिलहाल बंद कर दो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आगे जाके भी थोड़ी परेशानी ना हो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत तफसील से बात होनी है, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए ये सारे फॉर्मेट्स बनेंगे, मैं बिल्कुल तफसील से ये बात करूंगा, फिलहाल इसको साइड पे रख दे, क्योंकि ये बात मैं वो कहते हैं ना तोड़ पहुंचा नहीं सकूंगा, तो इसलिए फिलहाल इसको मैंने साइड पे कर दिया, जब मौका आएगा तोड़ पहुंचाना, समझते हो, हाँ मंजिल तक पहुंचा नहीं सकूंगा ना बात को, ठीक है। तो जब उसका टॉपिक आएगा ना जहां पे पूरी बात खत्म हो जाती है, तो उसमें फिर ये समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई फिलहाल रूट को छोड़े, ये याद रहेगा ना कि 25 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, जब नहीं है तो नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जाना, प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जाना। एंट्री एसेट डेबिट गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं करनी, बल्कि आपने एंट्री करनी है एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बस, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्लियर है ये बात। तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट, यहां पे क्या लिख दोगे, एसेट अकाउंट, ठीक है जी, और यहां पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट जी। जब कम जनवरी 16 पर ही ये सारे काम हो रहे, इसी दिन जो रिवैल्यूएशन हुई थी, ठीक है जी। डैन जी कहानी खत्म, सही है जी, ओके। अब 10-20 तक टाइम था क्लास का, ओह माय गॉड, ठीक है जी, खत्म करते हैं बात को, इधर देखें आप। अब ये एसेट इस्तेमाल होगा इस साल, फिर तो साल के एंड पे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट, क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट। तो डेप्रिसिएशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा जी, मजबूरन देखो वो कॉस्ट अपनी पुराने वाली तो रही को नहीं, अब इसकी
ठीक है, इस दफा तो क्या हुआ भाई, यूजफुल लाइफ में चेंज आता था, मेथड में चेंज आता था, रेजुल वैल्यू में आता था, तो हम एस्टीमेट चेंज के वक्त क्या करते थे, डब्ल्यू डी वी ले लेते थे और रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते थे। आज तो कॉस्ट ही बदल गई, तो काम वही करना है, ठीक है। बस डब्ल्यू डी वी ऑन यकम जनवरी 16 नहीं निकालनी, क्योंकि डब्ल्यू डी वी तो नहीं है ना, रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, तो रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ लेंगे रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, और रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे और इस एसेट को डेप्रिशिएट कर देंगे, काम वही करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला होने लगा है जी, वो जो कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू था ना, अब वो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूड अमाउंट वही रहेगी ना, कॉस्ट तो गई, माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है भाई, और सही है। तो फर्क क्या हुआ, तो चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग के जैसी ही सारी अकाउंटिंग है, बस यहां पर डब्ल्यू डी वी के बजाय जो चीज बदली है वो ले ली रिवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि अब इस रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है ना हमने, और किस पे करना है, रिमेनिंग लाइफ पे करना है, समझो। तो डेप्रिसिएशन 120 डिवाइडेड बाय 20 साल थी जिंदगी, अच्छा बात वही की वही है, रिवैल्यूड अमाउंट किस दिन की ली है हमने, रिवैल्यूएशन के दिन वाली, रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन लेनी है, रिवैल्यूएशन के दिन वाली। जैसे चेंज इन एस्टीमेट में डब्ल्यू डी वी किस दिन की ली थी, चेंज इन एस्टीमेट के दिन, रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर कैलकुलेट की थी, चेंज इन एस्टीमेट के दिन, बिल्कुल वैसे ही रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिवैल्यूड अमाउंट ले रहे हैं ना, रिमेनिंग लाइफ भी उसी दिन कैलकुलेट करनी है, यानी ये वो दिन है, ये वो दिन है जिस दिन खड़े होकर, यहां खड़े होकर तो निकालोगे तो 2 साल निकाल बैठोगे लाइफ जो गुजरी, हालांकि गुजरी अभी क्या है, 1 साल, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो फिर 20 साल जिंदगी थी, यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक, या यकम जनवरी 16 तक, कितने साल गुजर गए, एक, तो 20 में से एक गुजर गया तो कितने बच गए, 19। तो हमने क्या किया जी, ओ कह रहा है 19, ठीक है जी, सही, कितना आ गया, हाँ 6.3, ठीक है जी, ये 6.3 की एंट्री बताओ जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation 6.3, ठीक है जी, बुक वैल्यू क्या आ गई भाई, 11, अच्छा अब जो अगली एंट्री है ना, आखिरी एंट्री, ये एंट्री आप मैं कल समझाऊंगा, टाइम खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एक मिनट जरा देख लो कि होने का लगा है, ठीक है, वर्किंग मुकम्मल कर रहा हूं और एंट्री लिख रहा हूं, घर में जो होमवर्क के सवाल है सोल्यूशन उनका मौजूद है हैंडआउट में, ठीक है, लेकिन करना क्या है, आपने इस एंट्री पे आके ना, इस एंट्री पे आके आपने ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, वर्किंग में भी ये काम कर लेना और एंट्री सिर्फ देख के कर लेना, समझ तो क्यों नहीं आया, क्यों आनी है, क्योंकि मैंने भी समझाया नहीं है, समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी देखो इधर, देखो जो एसेट के साथ किया सरप्लस के साथ भी वैसे ही करो, ताकि जैसे जैसे ये एसेट खत्म हो वैसे वैसे ये सरप्लस भी खत्म हो, बताओ जी क्या आता है आंसर, 1.3 होना चाहिए, इसकी वजह भी कल बताऊंगा, ठीक है ना, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी, छोड़ो इस बात को बाहर, अभी क्या किया हमने, सिर्फ 120 डिवाइड बाय 19 किया ना एसिड को, तो सरप्लस को भी 25/19 कर देना है, ठीक है, और सही है ना, इसके सारी लॉजिक्स ईच एंड एवरीथिंग कल समझाऊंगा, इतना सा चुनना सा सवाल क्यों करवाया अभी तक, बहुत बातें बहुत ज्यादा सारी, ठीक है ना। तो ये कितना बच जाएगा जी, 23.7, यहाँ पे सवाल हमारा रुक जाएगा, ठीक है। अब यही बात एंट्री के अंदर लिखनी है, तो इसकी एंट्री है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ऐसी बात है, आपको क्या समझ आना है इस एंट्री के बारे में, तो समझ आना भी नहीं चाहिए। आप घर पे क्या करेंगे, आप घर पे क्या करेंगे, सारी वर्किंग करेंगे समझ के की है, एंड पे इस 1.3 और इसको मैं रेड कर रहा हूँ, इसको समझे बगैर बस एज इट इज लिख लेंगे, ये उधार है, ये इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। सारी एंट्री समझ के की है, बोलो आखिरी एंट्री ये क्या होगी, ये उधार है, इसको एज इट इज बस लिख लेना, नकल कर लेना चाहे, ठीक है, ओके जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 6.3 से ये एंट्री आती थी, और बोलो और revaluation surplus debit retained earnings का तो ledger हम बना नहीं रहे, बस लिख लो यहाँ पर 31 December 16, ठीक है, क्लोजिंग बता दो 31 December 16 पर क्लोजिंग 100। देखो सवाल सही जा रहा है, एसेट अकाउंट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा, बोलो एसेट को उठा के 120 पे ले गए हैं ना, देखो नजर आ रहा है 120 पे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड एक्शन में 6.3 नजर आएगा, क्योंकि पिछले 5 तो ट्रांसफर हो गई थी, सही है, और यहां पर 23.7 आएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक हो गया।
सही है। इधर देख लो, अब ये क्वेश्चन टू जो है ना, क्वेश्चन टू ये भी होमवर्क में चला गया क्लास वर्क वाला, क्योंकि मैंने क्लास वर्क वाले सवाल पे ज्यादा देर लगा दी। ठीक है, सही है। देख लो होमवर्क में मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे ध्यान में आ गया था कि ये टू भी जो है ना होमवर्क में जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू होमवर्क के अंदर जो है वो पहला होमवर्क यही है। ठीक है ना, क्लास वर्क क्वेश्चन टू नजर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क का क्वेश्चन टू है वो अलग से मैंने लिख दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। ये हैंड आउट ले लेना ऊपर से, अभी 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 लेना यार। यार फोर के नहीं मिले तो उसकी जरूरत क्या है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ग्रुप में ही भेज दिए थे, आपका ग्रुप ही नहीं है जी। सुने सुने सुने, ये आप हैंड आउट लाजमी लेके जाइएगा। ठीक है, अभी मैं इस क्लास से निकलूंगा, ईमेल करके व्हाट्सएप करके निकलूंगा अपने टीए को। ठीक है ना, तो आपने ये क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, और इसी हैंड आउट के अंदर इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन भी है, जर्नल एंट्रीज भी हैं, वर्किंग भी है, लेजर भी मौजूद है। ठीक है, ओके, ये देख लें आगे, ये सारे सोल्यूशंस मौजूद हैं। ओके, दोनों के। अल्लाह हाफिज़।